look at this. Right here in this green chat is the name with D. This is the name, ladies and gentlemen, and let me expand it some more for you. This is the WhatsApp chat that is between Deepika Padukone. स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में. तो आज हम जहाँ पे बात करेंगे WhatsApp और Facebook के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में. जो 11th ऑफ दिसंबर को हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक पॉपअप स्क्रीन आई थी, एक ऐसा मैसेज आया था हमारे मोबाइल के ऊपर. उन्होंने बताया था यहाँ पे कि वो क्या चेंजेस कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर. तो उन्होंने यहाँ पे दो बटन्स दिए थे, एग्री कर सकते हो या नॉट नाउ कर सकते हो. उन्होंने एक यहाँ पे डेट भी मेंशन करी थी 8th ऑफ फरवरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी चेंजेस वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कर रही हैं वो लागू हो जाएंगी 8th ऑफ फरवरी से. तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फ्लाई आ रहे थे कि अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते, एग्री नहीं करते, तो फिर क्या होगा. कई लोग ये कह रहे थे कि उनका जो काउंट होगा व्हाट्सएप काउंट वो हो जाएगा डिलीट. तो ऐसे बहुत सारे रूमर्स के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट और ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा था कि प्राइवेसी पॉलिसी में अगर उनके कोई फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई चैट होती है तो वो लीक नहीं होगी और ना ही वो उसे फेसबुक के साथ वो शेयर करेंगे. तो उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे एक लिंक भी दिया था जिसके ऊपर क्लिक करके आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर सकते हैं. उन्होंने पूरा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन लोग नहीं मानने वाले. बहुत सारे लोगों ने अदर ऐप्स जो थी, जैसे टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, वो ऐप्स उन्होंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी. लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि वो क्या क्या मतलब अपने पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं और क्या नहीं चेंजेस कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे हम रीड करना चाहें तो ये लिंक ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तरह की मैसेजिंग जो सपोर्ट की जाती है, पर्सनल एंड बिजनेस मैसेजिंग. तो पर्सनल मैसेजिंग में उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस मैसेजिंग है उसके ऊपर इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अंदर वो चेंजेस कर रहे हैं. थर्ड पैराग्राफ में अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि बिजनेस यूजर्स जो होंगे, जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को यूज़ करते हैं, वो व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक उसे मतलब अलाउ कर सकते हैं कि उनके जो मैसेज हैं उसे मतलब स्टोर कर सके, ठीक है, और उसको मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको मतलब वो रिस्पॉन्ड भी कर सके. तो ऐसी ही टर्म एंड कंडीशंस हैं इसके अंदर, लेकिन वो है यहाँ पे बिजनेस मैसेजिंग के अंदर, ना कि पर्सनल मैसेजिंग के अंदर, ठीक है. तो ये पॉइंट हम सबको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. तो वैसे भी अगर हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और वो हमारा जो डेटा है वो बहुत सारी अदर वेबसाइट्स को हमारा डाटा ट्रांसफ़र करती रहती हैं, तो तभी हमें वहाँ पे बहुत सारी एड्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं. तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी 8th ऑफ फरवरी को लागू होने वाली थी उसको इन्होंने डिले कर दिया है. अब ये होगी, अगर पॉसिबल होगी तो ये मई मंथ में होगी, मतलब यहाँ पे 3 महीने का गैप आ रहा है. तो इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि मतलब कोई भी अकाउंट यहाँ पे डिलीट नहीं होगा इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेके. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. तो इसके साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कैसे डिफरेंट कंपनीज हैं जो डेटा हमारा शेयर करती हैं फेसबुक के साथ. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे जाना होगा अपने जो यहाँ पे अकाउंट होता है उसके अंदर, और फिर आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर. इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी एक पेज खुल जाएगा. पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे जाना है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी क्या है, तो ये ऑफ फेसबुक एक्टिविटी है क्या, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे. तो इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास ये फेसबुक मतलब क्या कह रहा है, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी है क्या. इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम फेसबुक नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, कोई और वेबसाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अदर वेबसाइट अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करती है, वो इन्फॉर्मेशन वो दे देती है, बेच देती है, हम कह सकते हैं कि वो फेसबुक को दे देती है, ताकि वो जो हमने कोई प्रोडक्ट पहले बाय किया था उसके रिलेटेड हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन फेसबुक के अंदर दिखाई जाए बाय यूजिंग दी डिफरेंट एड्स. मतलब बहुत सारी एड्स के थ्रू वो हमें यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं. जो ऑफ फेसबुक एक्टिविटी है क्या, उसके बारे में आप यहाँ पे पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो. जैसे कि उन्होंने बताया कि वो आपको कस्टमर को रेलेवेंट्स एड्स जो होंगी वो आपको दिखाई जाती हैं. तो मोस्टली ऐसा ही होता है, जब भी हम
फेसबुक खोलते हैं तो जो अदर वेबसाइट हमने विजिट की होती हैं उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एड्स जो होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका प्रॉपर मॉडल जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कोई जीन है, मतलब एक लड़का लड़की लगा लो कोई भी, उसने क्या किया था कि पेयर ऑफ शूज बाय किए थे किसी ऑनलाइन शॉपिंग या साइट के अंदर या किसी स्टोर के अंदर। उसी के साथ मतलब बाद में आप देख सकते हो कि जो स्टोर था उसने क्या किया कि शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन जेन की एक्टिविटी की, कि जेन ने मतलब जो भी वहां पे बाय किया या नहीं बाय किया तो उसकी जो भी एक्टिविटी थी स्टोर ने शेयर कर दी वो फेसबुक के साथ, फेसबुक के कुछ बिजनेस टूल्स को यूज करके। तो उसके बाद यहाँ पे फेसबुक कह रहा है कि वी रिसीव जेन्स ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो मतलब ये वो वाली एक्टिविटी थी जो फेसबुक के ऊपर जेन ने परफॉर्म नहीं की, किसी और वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म की थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो भी एक्टिविटी उसने फेसबुक के अलावा किसी और वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म करी थी। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेन को फेसबुक अकाउंट के ऊपर कुछ एड्स दिखाई जाएंगी जिसके ऊपर उसे कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा उसकी नेक्स्ट शॉपिंग के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे मतलब इनका ये बिजनेस मॉडल सारा काम करता है। जो भी हम अदर वेबसाइट्स यूज करते हैं वहाँ पे तो हमें पता भी नहीं होता कि कौन सी हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा रही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं की जा रही। तो यहाँ पे फिर भी मतलब व्हाट्सएप ने एक काम तो किया था कि हमें वहाँ पे पॉपअप दिखा दिया था कि अगर आप एग्री करते हो या नहीं करते। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि चाहे हमारी जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब जो यूज़र सेंड कर रहा है और जिसे मैसेज रिसीव हो रहा है वही दोनों रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक इसकी कमी है कि जहाँ पे हम अपने वो मैसेज को बैकअप करते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर किए जाते हैं। जैसे हम अपने मैसेजेस का बैकअप करते हैं वो तो मतलब किसी क्लाउड के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर ही हम सेव करते हैं, लेकिन वो सारे जितने भी हमारे पास बैकअप्स होते हैं वो कभी भी इनक्रिप्टेड नहीं होते। तो तभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं जिनकी जो चैट्स होती हैं वो लीक्ड आउट हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।